मेराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मेराज का सारा वाक्या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुज़ूर ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुज़ूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुज़ूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुज़ूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूँ मैं कह लूँ बात कर लूँ। एक दफ़ा हुज़ूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज्यारत के लिए मक्के गई, हुज़ूर की ज्यारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक दफ़ा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता, सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिना कहे कि इसराइल अमरीका की नाजायज़ औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी ना बख्शे। कहां गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ, ना इंसाफी हो गई जी, ना इंसाफी हो गई जी, एक बीबी के साथ हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्यों हुआ जी क्यों हुआ? मस्जिद अक्सा की तोहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा? टॉक शो क्यों नहीं हुए? बहसें क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं, उन लिबरल लोगों का क्या करूं, उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं, उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं, और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में? तो हुज़ूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुज़ूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे जिसमें हाजिरी लगवाने की हुज़ूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा के लिए।